नवी मुंबई नेटवर्क। चौहान आत्महत्या प्रकरण में संदेहों के बादलों में घिरे वन मंत्री संजय राठौड़ के इस्तीफे की मांग और पूजा चौहान को न्याय दिलवाने की मांग के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार का तीव्र निषेध व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में तुरभे सानपाड़ा महामार्ग में चक्का जाम आंदोलन किया गया। सरकार का धिक्कार करते हुए किए गए इस चक्का जाम आंदोलन में चिखली विधानसभा मतदार संघ की विधायक श्वेता महाले, भाजपा नवी मुंबई जिला अध्यक्ष रामचंद्र खरत, महिला मोर्चा अध्यक्षा दुर्गा ढोक, पूर्व अध्यक्षा वर्षा भोसले, पूर्व नगर सेविका विजया खरत, नवी मुंबई भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दत्ता गंगाड़े, अविनाश भगत और तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस चक्का जाम आंदोलन को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। जैसे जैसे महिलाओं का ये चक्का जाम आंदोलन आगे बढ़ता रहा, तभी इन आंदोलन को रोकने का प्रयत्न किया गया। इस दौरान पुलिस ने महिलाओं को चक्का जाम करने से रोका और तुरंत उन्हें पुलिस की गाड़ियों में बिठाया। मगर इस दौरान पूजा चौहान को न्याय दिलवाने की बात करते हुए विधायक श्वेता महाले ने अपना रोष व्यक्त करते हुए संजय राठौड़ के इस्तीफे की मांग करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर भी अपना दुख व्यक्त किया। पूजा तैला न्याय, पूजा तैला न्याय, पूजा तैला न्याय। आज आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रातल्या जनता आहेत, महाराष्ट्रातल्या सर्व महिला या रस्त्यावरती आलेल्या आहेत आणि त्यांची एकच भावना आहे, पूजा तैला न्याय मिळालाच पाहिजे। तत्काळ संजयजी सिंह ज्या मंत्र्यावरती जात आहे त्यांच्यावरती ठाकरे सरकारने कारवाई करावी ही मागणी धरून आज महाराष्ट्रातल्या सर्व महिला या रस्त्यावरती उतरलेल्या आहेत। आम्हाला विश्वास आहे पूजा तैला नक्कीच न्याय मिळेल। आज ही वेळ का आली याचा विचार केला पाहिजे। पोलिसांनी जर तत्काळ गुन्ह्याची दखल घेतली असती, पूजा तैची अन्यायाची दखल घेतली असती, तर ही वेळ आज महाराष्ट्रातील महिलांवरती आली नसती। इतना ही नहीं, इस दौरान नवी मुंबई भाजपा जिला अध्यक्ष रामचंद्र खरत ने पूजा चौहान आत्महत्या प्रकरण पर अपना रोष जताते हुए वन मंत्री संजय राठौड़ के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार द्वारा इस मामले में ढूलमूल रवैया अख्तियार करने पर अपना रोष जताया। पूजा चव्हाण यांना न्याय मिळालाच पाहिजे या हा दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही संजय राठौड़ यांना अटक आणि त्यांचा राजीनामा लवकरात लवकर घ्यावा असा ठाकरे सरकारला उद्देशून आम्ही आज हा महिला मोर्चांचा आंदोलन केलेलं आहे, चक्का जाम आंदोलन केलेलं आहे। आणि मला वाटतंय हे ठाकरे सरकार झोपलेलं आहे, याला जाग येण्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना आम्हाला रस्त्यावर उतरण्यासाठी त्यांनी भाग पाडलेला आहे। आज आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या महिला मोर्चांच्या बरोबर जनता देखील प्रामुख्याने आज या मोर्चामध्ये सहभागी झाली आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये चक्का जाम झालेला आहे। आणि अशा प्रकारे संजय राठोड असेल या माणसाला ताबडतोब अटक तर झालीच पाहिजे आणि त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देखील त्यांनी घेतला पाहिजे। आणि जोपर्यंत ह्या गोष्टी होत नाहीत, पेपरवर येत नाहीत, प्रत्यक्ष घडत नाहीत, तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टी रोजच रस्त्यावर उतरेल असं आम्हाला ठणकावणी ते सांगावं असं वाटतं। पोलीस ने दमनकारी बताई है, हमको रोका गया है, हमको कम से कम 600 मीटर से वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी श्वेताताई जी आमदार है, हमारी मोर्चा की महिला के अध्यक्ष ढोकताई है, ये सब लोग 600 मीटर तक पुलिस को रगड़ते हुए रोड पे आई, उन्होंने रोड को चक्का जाम किया। देखते पुलिस किस तरह के रवैया अपनाती है उसके ऊपर हम लोग हमारी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। इस चक्का जाम आंदोलन में शामिल जिलाध्यक्ष रामचंद्र खरत, अविनाश भगत, दत्ता गंगाड़े समेत अन्य पदाधिकारियों को भी तुरंत पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर उन्हें गाड़ियों में बिठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।